नमस्कार भाइयों, मेरा नाम है चंचल मलिक और आज हम आए हुए यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 20 के अंदर, क्योंकि जो आपने लास्ट वीडियो देखी होगी वो पी पॉकेट पे रिव्यू करा था और अभी हम रिव्यू करने आए हैं एफ जी एच पॉकेट जो कि सेक्टर 20 के अंदर लगी है और 300 स्क्वायर मीटर की पॉकेट्स हैं जिनमें लगभग 800 प्लॉट्स लगे हुए हैं तीनों पॉकेट्स के अंदर। तो आज हम रिव्यू करेंगे एफ जी एच पॉकेट का कि मौके पे कितना काम अभी हुआ है और कितना काम अभी पेंडिंग है। तो आपको लेके चलेंगे पूरी पॉकेट का रिव्यू करवाने के लिए। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है वो सेक्टर 20 का लगा हुआ है, जिसपे लिखा हुआ है कि एफ जी एच जो पॉकेट्स है वो सामने दिख रही होंगी आपको। और अगर आप मेरे सीधे हाथ देखेंगे तो ये यमुना एक्सप्रेस वे है जो सीधे हाथ की तरफ से होता हुआ जा रहा है और साथ में ग्रीन बेल्ट लगी हुई है। अगर ग्रीन बेल्ट के साथ देखेंगे तो ये आपका 100 मीटर का रोड है, जो 100 मीटर के साथ ये एक 100 मीटर का रोड अंदर की तरफ जा रहा है सेक्टर 20 पॉकेट के अंदर, जो सभी एफ और जी और एच पॉकेट को डिवाइड करेगा। तो आके आपको लेके चलते हैं हमारी एफ जी पॉकेट के रिव्यू के लिए। जैसा कि आपको मैंने बताया कि भाई आज हम जो रिव्यू कर रहे हैं वो एफ जी एच पॉकेट का रिव्यू करेंगे और मैं आपको लेके आया था 100 मीटर के रोड से। तो 100 मीटर के रोड से होते हुए अब हम आ चुके हैं, उसके साथ अगर आप देखेंगे ग्रीन बेल्ट है और उसके साथ एक 24 मीटर का लगता हुआ रोड है जिसपे अभी हम चल रहे हैं। ये 24 मीटर का रोड है और अगर आप मेरे सीधे हाथ की तरफ देखेंगे तो ये जो पॉकेट है वो एफ पॉकेट है जो आपको मेरे साथ दिख रही होगी और उसके साथ लगता हुआ ये ग्रीन बेल्ट है। तो आपको मैं लेके चलता हूँ एफ पॉकेट के पूरे बिल्कुल मौके पे कि एफ पॉकेट की अभी कितना काम अभी एफ पॉकेट के अंदर हुआ है। तो ये अब जब हम 45 मीटर के रोड से जब आए हैं ग्रीन बेल्ट क्रॉस करके, तो ये सामने अगर आप जो रोड देख रहे होंगे ये रोड 18 मीटर का रोड है और इसके साथ ये एफ पॉकेट और जी पॉकेट को डिवाइड करता हुआ 18 मीटर का रोड है जिसे आप देख पा रहे होंगे। मेरे सीधे हाथ की तरफ एफ पॉकेट है और लेफ्ट हैंड में जी पॉकेट है। तो अब हम इसका रिव्यू करते हैं कि भाई कि यहाँ पे कितना मौके पे काम हुआ है। यहाँ पे नालियों का काम हुआ है, पोल अभी नहीं, कुछ पोल लगाए हुए हैं कुछ पोल नहीं लगे हुए हैं। अगर आप जी पॉकेट में देखेंगे तो पोल लगे हुए हैं और रोड अभी रोड पे पत्थर गिरे गए हैं मगर रोड अभी कंप्लीट बनी हुई नहीं है, मगर हाँ मौके पर रोड लगी हुई है। अगर आप देखेंगे तो पौधों का काम भी यहाँ पे हो गया, ग्रीनरी जो लगाई गई है उसका भी काम हो रखा है। जब हम यहाँ मौके पे अभी सारी चीज देख रहे हैं, ये जी पॉकेट है जिसमें ये बाघ आपको दिख रहा होगा, ये जी पॉकेट के अंदर ये बाघ लगा हुआ है। और अगर हम बात करें एफ पॉकेट की तो एफ पॉकेट में रोड लगी हुई है, रोड के साथ जो है अभी स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई है। अभी यहाँ पे मौके पे हमें कुछ ऐसा ये नहीं दिखा कि भाई ज्यादा कोई काम अभी एफ और जी पॉकेट के अंदर हुआ है। ये 18 मीटर का रोड है जो कि एफ और जी पॉकेट को डिवाइड करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ये अभी 18 मीटर के रोड पे हम खड़े हुए हैं और ये डिवाइड करता है एफ और जी पॉकेट को। तो सबसे पहले हम ग्राउंड लेवल पे आपको लेके चलते हैं पूरे एफ पॉकेट के, एफ पॉकेट में अभी कितना काम हुआ है। तो आप देखेंगे मेरे साथ कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का बेस बनाया गया है मगर स्ट्रीट लाइट के लिए कोई पोल अभी नहीं लगाया गया है। और उसके साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पे पौधों का काम कर दिया गया है साथ में और ये नालियों का काम यहाँ पे हो रखा है। अगर आप देखेंगे एफ पॉकेट में नाली का काम हो रखा है और प्लॉट मार्केशन, तो यहाँ पे यह है कि प्लॉट मार्केशन नहीं करी गई है मगर उसका टी खड़ा कर दिया गया है। टी आपको दिखाई दे रहे होंगे कि एफ पॉकेट के अंदर टी खड़े हैं मगर कोई भी मौके पे कोई भी स्ट्रीट लाइट का काम या कोई भी प्लॉट मार्केशन या कोई होल्डिंग प्लॉट पॉकेट की कोई होल्डिंग, एफ पॉकेट की कोई होल्डिंग हमें मौके पर नहीं देखने को मिली। तो ये आपका जो एफ पॉकेट है जो कि आपके रिवर नहर के साथ लगा हुआ पॉकेट है, ये अगर आप देख पा रहे हैं मेरे सीधे हाथ की तरफ तो ये आपका नहर है, रिवर है पीछे जिसे यहाँ पे कनाल बम्बे के नाम से बोला जाता है, जो कि जिसमें अच्छा पानी है जो आने वाले टाइम में जो वाटर टंकी यहाँ बनाई गई है उनके अंदर सप्लाई करा जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई हम 100 मीटर के रोड से होते हुए आए थे जो कि इसके साथ ये टच है एफ पॉकेट, जिसके बाद आपको 45 मीटर का रोड और साथ में 18 मीटर का रोड यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एफ पॉकेट के अंदर जो आपको मैं 360 डिग्री पे एक बार दिखा देता हूँ कि कितना काम अभी आपको मौके पर मिलेगा अगर आप यहाँ पर कोई भी प्लॉट लेना चाहते हैं या आप उसके लिए देखना देख रहे हैं। तो एक बार 360 डिग्री पे मैं आपको दिखा देता हूँ एफ पॉकेट पूरा और फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि भाई जी पॉकेट के अंदर कितना काम अभी हुआ है।
जैसे ही हम देखते हैं 18 मीटर के साथ लगता हुआ पॉकेट है जी पॉकेट। जी पॉकेट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे भी रोड का काम हो रखा है, नाली का काम हो रखा है, और उसके साथ अगर आप देखेंगे कि पौधों का काम भी यहाँ कर दिया गया है, और सीवर का काम भी। अब एक बार हम देख लेते हैं सीवर का काम यहाँ पे हुआ है या नहीं हुआ, वो भी एक बार आप देख लेते हैं हम। हाँ, यहाँ पे सीवर का काम भी हो चुका है। अगर आप जी पॉकेट में देखेंगे तो जी पॉकेट के अंदर सीवर का काम भी हो गया है, जो कि हमें मौके पर कुछ प्लॉटों पर दिखाई दे रहा है। सीवर का काम आपको मैं दिखा देता हूँ, सीवर का काम भी यहाँ पे हुआ है मौके पे। ये जी पॉकेट है जो कि एफ पॉकेट के साथ लगी है। 12 मीटर का रोड है जो आप देख पा रहे होंगे, ये पॉकेट के अंदर लगा हुआ है, और ये यहाँ पे सीवर का काम हो चुका है, जिसपे अगर आप देखेंगे तो अंदर के घर के अंदर जो है आपके कॉर्नर प्लॉट के साथ जो लगे हुए, ये सीवर का काम हुआ है, नाली का काम हुआ है, कुछ पोल भी खड़े कर दिए गए हैं। तो मेरे को लगता है कि इसमें कुछ परसेंट काम हुआ है जी पॉकेट के अंदर। और जी पॉकेट के साथ ही लगता हुआ पॉकेट है एच पॉकेट, जिसमें अभी हम गए थे, देखा कि वहाँ पे कोई भी काम जी एच पॉकेट में अभी नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो तीनों पॉकेट्स हैं ये 300 स्क्वायर मीटर की पॉकेट्स हैं, जिनमें मौके पर जितना काम हुआ वो आपको दिखाया मैंने। और जी पॉकेट का एक बार 360 डिग्री पर दिखा देते हैं भाई कितना काम हुआ है, क्योंकि ये जो पॉकेट है ये भी रिवर के साथ लगती हुई पॉकेट है, जो नहर जा रही है उसके साथ लगी हुई पॉकेट है ये। तो आप देख लीजिए कि जी पॉकेट के अंदर कितना काम हुआ है। ये भी 100 मीटर रोड के साथ लगी हुई पॉकेट है, जिसके साथ आपको 45 मीटर का रोड और 18 मीटर का रोड देखने को मिलेगा, साथ में आपको ग्रीन बेल्ट देखने को मिलेगी। तो ये जी पॉकेट है पूरी, जो आपको ये दिखाई दे रही होगी, जो पूरी ये आपको दिखाई दे रही है। इसके साथ आगे अगर जी से हम आगे की तरफ देखेंगे तो एच पॉकेट लगेगी, जिसमें अभी कोई मौके पर कोई भी काम अभी नहीं हुआ है। और इनके साथ लगता हुआ गाँव है एच पॉकेट के साथ पार्सल गाँव देखने को मिलेगा, जो कि आपको मेरे उल्टे हाथ की तरफ दिखेगा कि भाई वहाँ पे पार्सोल भट्टा पार्सोल जिसे बोलते हैं गांव को, वो गांव मेरे पीछे आपको देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक कि भाई एफ और जी और एच पॉकेट में कितना काम मौके पे हुआ है। तो आज ये ग्राउंड लेवल से आपको हमने यहाँ तक पूरी जानकारी दी। अगर आपको ये अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आज हम वीडियो लेके आए थे वो आपके लिए एफ और जी और एच पॉकेट के लिए लेके आए थे। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो जो करेंगे वो सेक्टर 18 के लिए करेंगे, क्योंकि 18 सेक्टर के अंदर जो पॉकेट्स हैं उसमें अभी कितना डेवलपमेंट हो चुका है और कितना डेवलपमेंट बाकी है वो हम आपको ग्राउंड लेवल पर जाके दिखाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं, और अगर किसी को भी हमारे कोई भी प्लॉट या किसी के लिए भी जानकारी लेना चाहता है तो हमारे वीडियो नंबर पर कॉल और मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार भाइयों।